जय भीम इंडिया, भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं भोजन न्यूज बुलेटिन। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है मायावती जी के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल इनलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने रविवार 7 अक्टूबर को कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए काम करेगी। 84 वर्षीय चौटाला 2 हफ्ते के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं। वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की जेल काट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के गोहाना में वरिष्ठ नेता और उनके पिता देवीलाल की 105वीं जयंती के मौके पर आयोजित रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम करेंगे ताकि मायावती अगली प्रधानमंत्री बन सके। और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी की मध्य प्रदेश की रैली को लेकर। साथियों राहुल गांधी के रोड शो में धमाका हुआ। मध्य प्रदेश के जगलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टला। यहाँ रोड शो के दौरान एक धमाका हुआ। यह धमाका तब हुआ जब राहुल गांधी मिनी बस में सवार थे, जहाँ कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही अचानक आग की लपटें उठी। इन आग की लपटों को देख भगदड़ मच गई। हादसे के दौरान राहुल गांधी के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बता दें कि रोड शो के दौरान लोग राहुल गांधी की आरती उतारने के लिए थाल ला रहे थे। थाल के ठीक सामने गैस के गुब्बारे थे जिसमें अचानक आग लग गई और वह फट गए। अचानक उठी इन आग की लपटों को देख लोग चौंक गए। इस घटना को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक भी माना जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है गुजरात से। गुजरात में प्रवासियों पर बड़े हमले, भागने को मजबूर हुए यूपी बिहार के लोग। अभी तक 342 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। साबरकंठा जिले में 14 माह की बच्ची से बलात्कार करने की घटना के बाद गैर गुजरातियों पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में गुजरात के विभिन्न भागों से पुलिस ने अब तक 342 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में गैर गुजरातियों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।